हेलो एवरीवन, आज हम संविदा वर्ग 3 एमपी टेट का एनवायरनमेंट स्टडी हमारा परिवार हमारे मित्र में सेकंड पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हेडिंग है हमारे पशु और पक्षी। हमारे परिवेश को निर्माण वनस्पति और पशु पक्षियों से ही बना है, जो मनुष्य के जीवन को अधिक सुगम बनाता है। स्थानीय परिवेश में बनाए रखने वाले हमारे पशु पक्षी एक जीवन चक्र के तहत होते हैं, जो मनुष्य के प्रकृति के बीच परस्पर संबंध निर्माण करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पशु पक्षी का इस पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे जीवन में भी, और हमारे प्रकृति और मनुष्य के बीच में कड़ी का काम करती है। तो चलो जान लेते हैं प्रमुख पशुओं के बारे में। हाथी, जो आकार में विशाल है, जो स्तनपायी भी है, और इसका जीवन काल 50 से 70 वर्ष तक का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस एंडिकस है। हिरण, जो कार्डिविडाई वर्ग का जीव है, वह एक स्तनधारी जीव है जो घने वन में रहना पसंद करती है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो पैथ्रा पार्डस है। भेड़िया कुत्ते की प्रजाति से संबंधित है। कुछ समय से यह भेड़िया आदमखोर प्रकृति प्रदर्शित कर रही हैं। गीदड़, जो सर्वभक्षी है, जो झुंड में रहना पसंद करती है और झाड़ियों में छिपकर रहती है। लोमड़ी, जो माद में रहती है, किंतु लोमड़ी माद नहीं बनाती है। हमारे भारत में लोमड़ियों की 34 प्रजातियां पाई जाती हैं। लोमड़ियों के बच्चे अंधे जन्म लेते हैं, परंतु बाद में इनकी रोशनी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भेड़िया सभी जगह पाई जाती हैं। हम नेवला और साही के बारे में जान लेते हैं। नेवले के शरीर से एक सुगंध निकलती है, जिसकी खुशबू एक कस्तूरी के समान कही जाती है। साही के बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। यह कांटे तब फैलाती है जब इसको किसी जीव के द्वारा आक्रमण किया जाता है। यह रक्षा करने के लिए इसके शरीर में कांटे बनाए गए हैं, और यह माद में रहती है, जो तालाब और नदी के किनारे अपना माद बना के रहती है। पूर्णतः शाकाहारी जीव है। हम पक्षियों के बारे में जानेंगे, जिसमें कौवा है, जो कार्विडरीय वर्ग का प्रसिद्ध पक्षी है। यह घरेलू पक्षी भी कहा जाता है इसे। मुनिया, जो बहुत छोटी होती है, जो 5 से 10 फीट की ही होती इसकी ऊंचाई होती है, जो झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया, जिसमें कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो प्रसिद्ध हैं, 6 जो हाउस स्पैरो, स्पैनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो और डेड सी स्पैरो। बिहार और दिल्ली ने गौरैयों को संरक्षण के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। भारत और श्रीलंका इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित की गई है। नीलकंठ एक ऐसी पक्षी है जिसे दशहरा के दिन देखना शुभ माना जाता है। चील, जो लगभग 2 फुट लंबी और गहरे भूरे रंग की होती है। और गिद्ध एक ऐसा शिकारी पक्षी है जो जिसे मुर्दाखोर के रूप में भी जाना जाता है। और गोडा बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर, जिसे आप सोहन चिड़िया या हुकना भी कहते हैं, यह राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी है। हमारे कुछ पालतू पशु हैं, जिसमें कुत्ता
जिसमें कुछ प्रजातियां बहुत फेमस हैं, जैसे कि लेब्राडोर, डाबरमैन और बुलडॉग। बिल्ली एक ऐसी पालतू पशु है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाली जाती है। गाय हमारे जीवन में बहुत महत्व है गाय का। जिस अच्छी किस्म की दूध इससे प्राप्त की जाती है, भारत में लगभग 30 नस्लें मिलती हैं, जिसमें कुछ रेड सिंधी, साहीवाल, गिर बहुत ज्यादा फेमस है। गाय को पालतू पशु के रूप में रखने का धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य है। हिंदू धर्म में इसे पंचगढ़ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इससे दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र प्राप्त होता है। भैंस का हमारे आर्थिक महत्व है, और इसका रंग काला और सींग वक्राकार होता है। चलो हम मालवाहक पशु के बारे में जान लेते हैं, जिसमें बैल है। यह कृषि के लिए उपयोगी है, और बैलगाड़ी परिवहन के लिए, और बैल को संरक्षण प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने इसे राजकीय पशु भी घोषित किया गया है। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये 7 दिन तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। इसकी जीवन प्रत्याशा अगर देखा जाए तो 40 से 50 वर्ष है। इसका अधिकतम चाल 65 किलोमीटर पर आवर्स है। घोड़ा, जिस चेतक घोड़ा अपने इतिहास मध्यकालीन भारत में महाराणा प्रताप के बारे में तो जानते ही होंगे। खच्चर एक ऐसा पशु है जो घोड़े और खच्चर दोनों का मिश्रित रूप है, और यह पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। चीन, मैक्सिको जैसे दक्षिण अमेरिका देशों में बड़ी संख्या में खच्चर पाए जाते हैं। ये दुर्गम क्षेत्रों में भोजन सामग्री पहुंचाने में खच्चर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे आसपास के परिवेश में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे मुख्यतः हम दो रूप में बांटते हैं, एक जंगली और पालतू के रूप में। मनुष्य कुछ जीवों को अपनी जरूरतों के लिए पालता है, ऐसे जीवों में वह दूध, मांस प्राप्त करता है। मनुष्य द्वारा पालतू बनाए रखने में शाकाहारी जो होते हैं, मुख्यतः गाय और भैंस हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जिसे मनुष्य शौक के लिए पालता है, जिसमें पालतू के रूप में कुत्ता और बिल्ली है। भेड़ एक ऐसा पालतू पशु है जो पूर्णतः आर्थिक है, जो भेड़ के शरीर से ऊन निकाली जाती है, जिसे स्वेटर बुनते हैं। ऐसे इस पशु से हम मांस और दूध भी प्राप्त करते हैं। और परिवेश में कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो मनोरंजन का कारण बनते हैं, जैसे लंगूर, जिराफ, बंदर, कंगारू। हम कुछ प्रमुख पालतू पक्षी के बारे में जान लेते हैं। तोता, जो बहुत ही आकर्षक होती है, और भोजन के रूप में वह फल और हरे फल ही खाती हैं। कबूतर संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाला पक्षी है। मुर्गा, जो एक ऐसा पालतू पक्षी है जिसमें मध्य प्रदेश का कड़क नाथ मुर्गा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 2018 में GI टैग मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बदक एक जल पक्षी है जो दिखने में यदि देखा जाए तो उजले भूरे और हल्के काले रंग का होता है। हम आगे देखते हैं कि जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्री से निकलने वाली जितनी भी बिना रिसाइकल किए हुए जो जल में प्रवेश करने पर जल में उपस्थित जितने भी हमारे मछलियां, कछुए रहती हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है और प्रजनन क्षमता भी खत्म। प्रजनन क्षमता लगभग उसमें प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से निकलने वाली रिसाइकल किए गए जितनी भी औषधियां हैं, वह विषाक्तता का कारण करती हैं, जिससे जल में उपस्थित जितनी भी हमारी मछली, कछुए, अजगर जितनी हैं, उनका मृत्यु का कारण भी यही है। भूमि प्रदूषण में यदि प्लास्टिक
पॉलीथीन यदि मिल जाने से और टिन को यदि गाय भैंस या बकरी खा लेती हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और ध्वनि प्रदूषण के लिए के साथ साथ ये प्रभावित होती है। तेज आवाज में अधिकतर जानवर काफी डर जाते हैं और भड़क जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जंगलों में रहने वाले जंतुओं को सुनने की शक्ति में कमी के कारण ये आसानी से शिकार हो जाते हैं। ये पूरे परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रदूषण से न केवल मनुष्य को, हमारे जीव जंतुओं को भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि भूमि प्रदूषित हो तो ध्वनि प्रदूषित और जल प्रदूषित होने पर।